हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं यहां पर हातोज गांव के अंदर चिरायु हॉस्पिटल से जस्ट पीछे ही हूं और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस डुप्लेक्स विला, शानदार विला दिखाने के लिए आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दिया है, तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे मैं ऐसी और भी प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आपको एक बेस्ट डील करने में मदद देता है। तो चलते हैं आज इस मकान की तरफ। आप देख सकते हैं, ये है एलिवेशन और यहाँ पर ये 2 डुप्लेक्स हैं जो कि वैकेंट है और फुल डुप्लेक्स है जिसमें 3 BHK है मकान ये। और अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो वेस्ट फेसिंग मकान है ये। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट इसका 15x50 है जो कि 83 वर्ग गज है। सोसाइटी पट्टे में है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। और अगर आप देखना चाहते हो कि रोड से कितना डिस्टेंस है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 30 फीट रोड है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक 30 फीट रोड ये है। और अगर पीछे की तरफ देखें तो ये एक फ्लोर छोड़ के ये सामने CC रोड है जो डंडे के पास, ये रोड है जो कि चिरायु हॉस्पिटल से जस्ट आई है। और अगर डिस्टेंस वाइज अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं पे अगर हम 200 फीट बाईपास अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अगर वहीं पे अगर हम चिरायु हॉस्पिटल से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर अंदर है ये मकान, जो कि बेहतरीन है, शानदार मकान है। अभी आप देख सकते हैं ये 2 डुप्लेक्स है जिसके अंदर ये 30 फीट रोड है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये रैंप है। और इस रैंप से जैसे ही ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये आयरन गेट है जो कि कलर कॉम्बिनेशन है इनका। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं एक बिग स्पेसिस, 15 के स्पेस में भी बेहतरीन शानदार आपको पार्किंग मिलती है। आप देख सकते हैं ये बिग स्पेसिस पार्किंग है। वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पर मीटर बॉक्स लगाकर आपको दिया जाएगा। और उधर आप देख सकते हैं ये है किचन और किचन की विंडो है, किचन के सामने भी ये इतना स्पेस है तो एक 4-व्हीलर इसी वे में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर स्पेस है जिसके अंदर आप 4-व्हीलर वगैरह भी पार्क कर सकते हो। तो ये है ऊपर, अगर आप देखें तो पार्किंग के अंदर भी ये आपको POP में डिजाइन मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 फीट के अंदर ये टाइल्स लगा करके दी गई है जो कि आपको सीजन वगैरह से बचाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ तो ये देख सकते हो आप 5000 लीटर कैपेसिटी का ये पानी का टैंक है। और यहाँ आप देख सकते हैं मोटर का प्रोविजन दिया गया है। इधर आप देख सकते हो मॉड्यूलर स्विचेस लगा करके आपको दिए गए हैं, प्रीमियम कलर है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 के फ्रंट में बाहर से जीना देकर के ऊपर से मकान बनाया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 स्टेयर्स है, 1, 2, 3 स्टेयर्स लेकर के। अगर पीछे रोड की तरफ देखें हम तो आप देख सकते हैं पीछे रोड की तरफ अगर देखें तो रोड से काफी हाइट लेकर कुर्सी आई है। ये आप देख सकते हैं 2 पल्ले का गेट है और इस गेट से जैसे ही एंट्री किए तो हॉल है। और इसी के साथ में ऊपर की अगर देखें तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, फॉल सीलिंग दी हुई है। और इसी के साथ में एक वॉल है जो कि रॉयल कलर में डिजाइन है। और अगर इधर देखें तो आप एक विंडो की भी है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं नीचे 2x2 की ट्रिप वाइट टाइल्स की है। और इधर देखें तो शोकेस दिया हुआ है, यहाँ आप देखें तो वॉश बेसिन लगा करके आपको दिया गया है। इधर आप देखें तो कॉमन बाथरूम। और इसके साथ में आप देख सकते हैं ये वेस्ट फेसिंग मकान है जिसके अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन में यहाँ आप देख सकते हैं ये किचन है जो कि मॉड्यूलर किचन है और यहाँ फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा फर्नीचर वगैरह लगा करके आपको दिया हुआ है। और यहाँ अगर बात करें तो मार्बल ग्रेनाइट की ब्लैक ग्रेनाइट है जिसका प्लेटफॉर्म बनाकर दिया हुआ है जिसमें डबल मोल्डिंग के साथ है। और यहाँ आप देखें तो ये बॉक्सेज आपको बनाकर दिए गए यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी का प्रोविजन दिया गया है। और अगर इसके बात करें हम इस किचन की तो 10 बाई
उसी के साथ में अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम। या आप देख सकते हैं यह है मास्टर बेडरूम, और अगर मेजरमेंट की बात करें तो 10 बाई 12 साइज का यह रूम है। एक वॉल है जो कि रॉयल फैमिली में डिजाइन है। यहाँ अगर देखें तो वार्डरोब है, जो कि आप देख सकते हैं वार्डरोब है। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो पीओपी में डिजाइन है। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 2x2 की टाइल्स है, जो कि मेटल का टाइल्स है। और यहाँ अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये है एक गैलरी, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं डक छुड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। तो इस तरह से ये था ग्राउंड फ्लोर। अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर। और इसी के साथ में अभी मैं वापस हॉल में आ चुका हूँ। हॉल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाथरूम दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कॉमन इंडियन टॉयलेट है। और यहाँ पर आपको वॉश बेसिन लगा करके दिया जाएगा। दोस्तों ये जो मकान है ये है 15x50 का, जो कि 83 वर्ग गज का है। सोसाइटी पट्टे में है, हातोज में चिरायू हॉस्पिटल के जस्ट बैक साइड के अंदर है ये मकान। लोनेबल प्रॉपर्टी है, 80% लोनेबल है। इसी के साथ में अगर कीमत की बात करूँ तो मात्र 35 लाख रुपए के अंदर ये 3BHK डुप्लेक्स मकान है, जिसके अंदर आपने नीचे देखा एक किचन थी, हॉल था, एक बेडरूम था और बाथरूम था। अभी ऊपर चलते हैं, 2 बेडरूम ऊपर है। तो ऊपर किस तरह से बना हुआ है दिखाता हूँ। अगर पसंद है प्रॉपर्टी तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। साथ ही अगर ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस के आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, बेल आइकन भी दबा दिया है, तो जल्दी से जल्दी लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे और भी प्रॉपर्टी लेकर आता हूँ जिससे आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट डील कराने में मदद देता है। तो चलते हैं अभी ऊपर। यह आप देख सकते हैं ये है जीना, जो कि स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट का जीना है। फुल डुप्लेक्स है, जिसके अंदर यहाँ पर MCT लगाया हुआ है। और इसके साथ में जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करते ही जो नीचे सेम साइज का हॉल था वो हॉल है, आप देख सकते हैं 12x14 साइज का। और इसके साथ में एक हॉल पे रॉयल फैमिली डिजाइन है, ऊपर POP डिजाइन है और प्रीमियम कलर है, वेरीफाइड टाइल्स है। और सामने की तरफ यहाँ देखते हैं एक बाथरूम जो नीचे था उसी साइड का ऊपर एक बाथरूम है इंडियन टॉयलेट के लिए। इसी के साथ में ये जो मास्टर बेडरूम का नीचे उसी के साइज के अंदर यहाँ 10x12 साइज का ये बेडरूम है। ये हॉल देख सकते हैं आप, रॉयल फैमिली डिजाइन है, ऊपर की तरफ POP डिजाइन है, नीचे वेरीफाइड टाइल्स है। और यहाँ आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए छोटा वाला गैलरी है, डिस्क गैलरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कूलर की एक विंडो लगाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम चल रहे हैं फ्रंट साइड बेडरूम, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं लॉबी है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये 10x14 का ये बेडरूम है। और इसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये वार्डरोब है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये एक हॉल है, जिसमें रॉयल कलर का डिजाइन है, ऊपर की तरफ POP के डिजाइन है, नीचे देखें तो वेट्रीफाइड टाइल्स है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है विंडो। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये है बेल्कनी, अटैच टू बेल्कनी, जो कि मात्र 2.5x15 की ये बालकनी है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं वुडन कलर किया हुआ है, जो कि वुड का फील कराता है। और यहाँ आप देख सकते हैं आयरन की रेलिंग है। और आसपास की तरफ देख सकते हो आप ये जो सामने बिल्डिंग की है, ये है सरकारी स्कूल, जो कि सामने आपको दिखाई दे रही है। वहीं पानी की टंकी दिखाई देगी थोड़ी दूर। और यहाँ ये देख सकते हैं ये बाउंड्री है, क्योंकि ये भी सरकारी स्कूल की रोड है। और ये यहाँ पर आपको रोड दिखाई देगा, जो कि चिरायू हॉस्पिटल की तरफ आएगा। सामने बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है स्टार सिटी। तो बहुत ही शानदार लोकेशन पे है, प्राइम लोकेशन पे है और लोनेबल प्रॉपर्टी है, सोसाइटी पट्टे में है। ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।